नमस्कार। तो मेरा गांव मेरा देश है के यूपी एडिशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक बात बहुत प्रचलित है और बीजेपी नेताओं की तरफ से तो ताल ठोक कर कही जा रही है, और वो बात है कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया और अब मथुरा की बारी है। तो आज हम सीधे आपको लिए चलेंगे मथुरा की सबसे ज्यादा हॉट सीट कही जाने वाली विधानसभा, वृंदावन विधानसभा। तो मथुरा की वृंदावन विधानसभा, इसकी आज बातचीत करेंगे, इसको जानेंगे, परखेंगे और समझेंगे कि मथुरा की जो वृंदावन विधानसभा है, यहां पर जो विधायक जी हैं वो दरअसल मंत्री जी भी हैं, यूपी कैबिनेट में है, योगी कैबिनेट में है, ऊर्जा मंत्री है। तो क्या ऊर्जा मंत्री जो मथुरा से विधायक हैं, क्या उन्होंने मथुरा को रोशन करने का काम किया है? मथुरा कितना जगमगा रहा है? विकास की लड़ियां फुलझड़ियां बनी कि नहीं? इन सबको जानेंगे और समझेंगे। ऐसे में सबसे पहले आपको मथुरा के वृंदावन विधानसभा की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों से आप रूबरू होइए और समझिए कि आखिर विधानसभा दिखती कैसी है। तो सबसे पहली तस्वीर ही दरअसल थोड़ा सा चिंता का विषय बनती हुई दिखती है, थोड़ा सा चिंता का सबब बनती हुई दिखती है कि मथुरा विधानसभा, जिसको सुनते ही हमारे मस्तिष्क में कृष्ण जी की एक तस्वीर बनती है, श्रीहरि का एक हमारे मन में एक नाम आता है, लेकिन तस्वीरें यहाँ की ज़्यादा सुखद नहीं मालूम पड़ती। आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढों में पानी भरा हुआ है, किस तरीके का यहाँ हाल है। ये ज़मीनी हाल है, ज़मीनी हाल को देखना दरअसल ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़मीनी हाल कुछ इस तरह का है कि कचड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी जो भरा हुआ है गड्ढों में और बाकी तमाम चीज़ें। तो मथुरा की जैसी सुंदर छवि देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी देखने को मिलती है, वैसी छवि अगर हम ज़मीनी हालात देखते हैं तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। कि मथुरा की जो वृंदावन विधानसभा है, यहां से श्रीकांत शर्मा साहब विधायक हैं। श्रीकांत शर्मा 2017 में भारी मतों के साथ जीत कराए थे। पूरी ये जो विधानसभा है मथुरा की, इसमें जो कुल वोटर हैं वो है 4,26,000, और सबसे ज्यादा जो इसमें वोट करते हैं वो है ब्राह्मण वोटर। ब्राह्मण वोटर 1,25,000 से ज्यादा बताया जाता है, इसके बाद है वैश्य वोटर। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कौन से अलग अलग चेहरे हैं जो एक बड़ा फैक्टर है यहां पर। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रदीप माथुर साहब एक बार फिर कांग्रेस से हैं, पिछली दफा 2017 में रनर अप रहे थे प्रदीप माथुर साहब। प्रदीप माथुर साहब इससे पहले लगातार 3 बार एमएलए रहे हैं मथुरा वृंदावन से, इस बार वो फिर फाइट में हैं, कांग्रेस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। और श्रीकांत शर्मा साहब बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर मैदान में हैं। प्रदीप माथुर साहब कांग्रेस से हैं, देवेंद्र अग्रवाल साहब समाजवादी पार्टी से हैं, और एस के शर्मा साहब जो हैं वो बीएसपी से हैं। एस के शर्मा का नाम सुनते ही आपको लगा होगा ये बीएसपी में कब गए, ये तो कल तक बीजेपी में थे। जी हाँ, एस के शर्मा साहब बीजेपी में थे लेकिन उम्मीद लगाए बैठे थे कि बीजेपी से इस दफा टिकट मिलेगा, लेकिन जैसे ही टिकट कटा वैसे ही शर्मा जी भी अपना टिकट काटकर बसपा में चले गए, अब ये बसपा में हैं। ऐसे में यही उम्मीद की किरण है जिसको संजोए बैठे हैं प्रदीप माथुर साहब कांग्रेस से, क्योंकि जब बीजेपी में बगावत हुई है, बीजेपी में एस के शर्मा जैसे ही बीजेपी से अपना दामन छोड़कर और बसपा में ज्वाइन हुए हैं, तभी एक उम्मीद की किरण जगी है प्रदीप माथुर के लिए कि इसका सीधा फायदा जो है वो शायद कांग्रेस को हो सकता है। तो अभी क्या गणित है, जो गणित है वो आपको समझा दिया, लेकिन जमीनी माहौल क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने समझने के हम सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता पिंटू जी के पास। पिंटू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी पिंटू जी, आपके आसपास जैसे कि काफी लोग हैं, हम उन पर भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और माहौल को समझेंगे कि आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले पिंटू जी ये बताइए मुझको कि श्रीकांत शर्मा साहब जो हैं वो महज एक विधायक नहीं, एक मंत्री भी हैं, योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, पूरा प्रदेश उनके सामने रिक्वेस्टिंग पोजिशन में रहता है कि साहब यहाँ बिजली, वहां बिजली, गाँव में बिजली, देहात में बिजली, आंगन में बिजली, घर में बिजली, किचन में बिजली। तो क्या मथुरा में बिजली के अगर पैमाने पर आके तो मथुरा का घर घर कोना कोना जगमगा रहा है कि नहीं? देखिए मथुरा की बिजली की बात करते हैं तो मथुरा में बिजली घर में तो पहुंचता ही है, तो उनके घर में जो पहुंची बिजली पहुंची है उनके बिल पहुंचते ही आने बिजली पहुंचने का काम किया है बीजेपी ने, और बिजली का बिल जो है वो 100 रुपए आना चाहिए, 50 रुपए आ रहा है, 50-50 हजार रुपए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मंत्री से अपनी मथुरा की जनता कुछ ज्यादा दिख रही है।
ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिजली तो आ रही है लेकिन बिल आ रहा है, बिल ज्यादा आ रहा है, ये कह रहे हैं? मतलब सुविधा है, मतलब बिजली पहुंच गई है, पहले ये बताइएगा बिजली पहुंच गई है घर घर की? नहीं देखिए, अगले जी परसों आए थे तो अगले जी ने लिखाना चाहता था जिसके पेपर में मंत्री जी ने ट्रेन तो दिया पर अब दीवार का ट्रेन के पास फिर होना है तो कहीं ना कहीं मथुरा में आपकी बात माहौल है। चलिए पिंटू जी, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। पिंटू जी को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, लेकिन उससे पहले मथुरा विधानसभा की हम बातचीत कर रहे हैं। मथुरा विधानसभा के बारे में आपको बता दूं कि जो यहां पर चार नाम सबसे सॉलिड पोजीशन में है, उनके नाम है श्रीकांत शर्मा साहब जो वर्तमान विधायक हैं, इसके बाद देवेंद्र अग्रवाल साहब समाजवादी पार्टी से नेता हैं, एसके शर्मा साहब बीजेपी में थे अब बीएसपी में चले गए हैं, और प्रदीप माथुर साहब पिछली दफा रनर अप रहे थे और उससे पहले तीन बार लगातार एमएलए रह चुके हैं प्रदीप माथुर। लेकिन श्रीकांत शर्मा साहब इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि योगी कैबिनेट का हिस्सा भी है, योगी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री के बाद आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जिस चीज का दम्भ भरती है ये बीजेपी सरकार प्रदेश लेवल पर या फिर आपको बता दूं सेंटर लेवल पर, तो वो है कि घर घर बिजली पहुंचाने का जो वादा था उसको पूरा किया गया, ऐसा बीजेपी सरकार का लगातार ऐसी बीजेपी सरकार कहती है। तो श्रीकांत शर्मा ने अगर बिजली को घर घर पहुंचाने की जो बात थी अगर वो पूरी की है तो क्या मथुरा में हर घर तक बिजली पहुंची है? इसको जानेंगे समझे के साथ ही साथ जो हकीकत है वो तस्वीरें बयां करती है, किस तरह कूड़े के ढेर गड्ढों में पानी भरा होना और साथ ही साथ तस्वीरें ज्यादा ठीक ठाक नजर नहीं आती, जैसा कि मथुरा की ये कल्पना हम सब करते हैं, दिल्ली में बैठे हो या फिर देहरादून में बैठे हो या फिर डॉ जोन्स में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, लेकिन जैसी कल्पना मथुरा की करते हैं वैसी तस्वीरें मथुरा की देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या 2017 में जिन वादे और दावे के साथ सरकार आई थी, जिन दावों और वादों के साथ श्रीकांत शर्मा ने वोट मांगे थे और पाए भी थे, क्या एक बार फिर उन्हीं दावों और उन्हीं वादों के साथ श्रीकांत शर्मा उसी जनता के सामने जा पाएंगे और वोट मांग पा रहे हैं? इसको जानने और समझने के लिए आज का कार्यक्रम है और सीधे तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं, मथुरा आखिर दिखता कैसा है। आपको सीधे तौर पर बता दिया है कि 4,26,000 कुल वोटर हैं यहां पर और सबसे बड़ा जो इस बार जो कांग्रेस को फायदा होता मिल रहा है प्रदीप माथुर को, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है मथुरा से, इस बार जो सबसे बड़ा फायदा होता दिख रहा है वो ये है कि एसके शर्मा जो बागी हो गए बीजेपी से और बसपा में शामिल हो गए हैं तो उसका सीधा का सीधा फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। हमारे साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता पिंटू जुड़ गए। पिंटू जी एक बार फिर आपका स्वागत है, पिछली दफा आवाज में कुछ समस्या आ रही थी, शुरू करते हैं। तो पिंटू जी मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि घर घर बिजली पहुंच रही है कि नहीं, तो उस पर शायद आपने ये बात कही थी कि बिजली तो घर घर पहुंच रही है लेकिन बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो उस पर मेरा ये है कि बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है घर घर तक? बिजली अभी कुछ गांव से ऐसे हैं जहां अभी पहुंची भी नहीं है, आप बताइए बात करें, कुछ गांव से ऐसे हैं कि अभी कनेक्शन पहुंचा ही नहीं है, जो गरीब बच्ची रह रहे हैं उनके। आप ठीक है ठीक है ठीक है, ये बताइए मुझको पिंटू जी, आपके आसपास जो लोग हैं सबसे पहले आप उन पर जाइए, उनसे बातचीत करिए और इनसे ये जानिए कि आखिर मथुरा में माहौल क्या है। पिंटू जी को फुल स्क्रीन लीजिए, पिंटू जी को फुल स्क्रीन लीजिए, फुल स्क्रीन पिंटू जी को। उन्होंने बिजली के मामले में क्या किया है, जो पहले 500 रुपए का बिल आता था वो 5,000 का बिल आ रहा है, और दूसरी तरफ ये देख लीजिए जो पूंजीपति लोग हैं और वो लोग जो है बिजली की चोरी कर रहे हैं उनको रोक नहीं पा रहे हैं, और बेचारे दलित किसान मजदूर जो थोड़ी थोड़ी बिजली खर्च करते थे सिर्फ लाइट के लिए, उन लोगों के लिए स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। स्मार्ट मीटर में ऐसा है 2,000 रुपए दूर हो गए बिल के, जब कनेक्शन काट दिया तो 1,000 रुपए। चलिए तो मथुरा विधानसभा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पिंटू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जो जनता से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता का मन क्या है, जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो 17 साल में जो पैदा किया था, जो चीजें बनाई थी, जनता की सहूलत भी थी, इन्हों के 7 साल में सारी खत्म कर दी। आप देख लीजिए पहले भी गरीबों के आम आदमी बच्चे देखा पहले, लेकिन आपने देखा होगा
मजदूर आदमी है वो बिजली जला नहीं कर समर्थ है, तो सांसद की जगह बिजली तो समझो तो बिजली ऐसा नहीं है कोई नई बात नहीं की है, बिजली तो पहले भी जाती थी। अगर ये कहते हैं कि बिजली हमने पहुंचाई है तो इसी बिजली जाने से फायदा क्या है, तो 500 रुपए का बिल आता था 5000 का बिल आ रहा है जब तक कहां से देगी, तो आपकी बात क्या भाव लग रहा है क्या? हम तो मतलब जो सरकार इसके खिलाफ हो रहे हैं, आम आदमी का रोज चल रहे, आम आदमी ये कह रहे हैं कि सरकार हमें नहीं चाहिए, जो जमानत के लिए जो नुकसानदायक है जी आपने देखा है सबको तो दीजिए, सरसों का तेल 200 रुपए से ऊपर है, देख रहे हैं आप रिफाइंड तेल के 200 से ऊपर है, आप पैसों चीजें देख लीजिए, दूसरा आप रसोई खर्ची दीजिए, ये तो मूलभूत समस्या है ना, आप 20 रुपए देख रहा है तब क्या ताजा दिया किसी तरह आप चाहे हो, अब देखिए जनता के ऊपर है जनता क्या फैसला करती है, ये तो जो जनता में ऐसा रोष है तो सरकार निश्चित रूप से बदलेगी और ऐसे लोगों की सरकार जनता बनाएगी जो जनमानस के लिए नामदारी हो और अच्छा काम करे और जनता फैसी हो जी जी। और ये और उनसे हम बात करेंगे अगले आपकी बात चुनाव माल दिया है। तो मथुरा विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मथुरा विधानसभा 2017 में आपके समक्ष आई थी, लेकिन 2017 के बाद जब 2022 में एक बार फिर हम खड़े हैं, विधानसभा चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर हैं, तब मथुरा विधानसभा की अगर हम आज आपको तस्वीरें दिखाते हैं तो क्या ये वो तस्वीरें हैं जिनकी कल्पना आपने 2017 में वोट देते वक्त की होगी? क्या आपने सोचा होगा कि 2017 में आज जब आप वोट दे रहे हैं तो 2022 में एक बार फिर आप ऐसी ही तस्वीरों से रूबरू हो सकते हैं? तो ये मथुरा विधानसभा की तस्वीरें हैं, 2022 विधानसभा चुनाव होने को है, उससे पहले हम हर विधानसभा की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के मूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक एक पूरा विजन रखा जा सके, आपको हर विधानसभा के बारे में, अगर आप दूसरी विधानसभा से भी हैं वहाँ के रहवासी भी हैं तो भी आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं को देखें समझें और जानें कि आपकी विधानसभा क्या उस विधानसभा से ज़्यादा अच्छी है या फिर उस विधानसभा से ज़्यादा आपकी विधानसभा की जो हालत है विकास के तौर पर वो ख़राब है। तो इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग विधानसभाएं हैं वो दिखती कैसी हैं और कौन सा विधायक किस तरीके का अपनी विधानसभा में काम कर ले, क्या कोई ऐसा विधायक हुआ है उत्तर प्रदेश में जिसने कुछ कमाल किया हो विकास के नाम पर, या फिर सभी विधायकों ने केवल और केवल प्रदेश नेतृत्व के नाम पर वोट मांगने का 2017 में जो काम किया वो एक बार फिर 2022 में करने जा रहे हैं। 2017 में हम कह सकते हैं कि सेंटर के नाम पर वोट मांगा गया था, केंद्र सरकार की नीतियों के नाम पर वोट मांगा गया था, लेकिन अब 2022 में जहां तक देखा जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व और योगी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप ये भी सोचिए कि क्या 2022 में जब आपसे वोट मांगे जा रहे हैं तो वो काम पूरे हुए हैं जो 2017 में इन्हीं विधायकों ने स्थानीय लेवल पर किए थे। दर्शकों मथुरा की आज हम बात कर रहे हैं, मथुरा का क्या हाल है, सियासी तौर पर क्या हाल है उसको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ जनता का मूड क्या है उसको भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पिंटू जी जुड़े हुए हैं, पिंटू हमको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि आखिर वहां पर जनता के बीच माहौल क्या है, जनता किसको जिताने के मूड में नजर आ रही है। सीधे आपको ले चलते हैं पिंटू जी के पास, पिंटू हमारे साथ मथुरा वृंदावन से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है हमारे साथ। तो पिंटू जी की तरफ हम जाएंगे लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरों से थोड़ा सा रूबरू करा देते हैं कि तस्वीरें आखिर क्या कुछ कह रही हैं। तो बिल्कुल संवाददाता पिंटू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता पिंटू जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपके आसपास जो लोग हैं आपके जो पूरे डायमीटर में जो लोग हैं उनसे जरा ये जानने की कोशिश करिएगा कि आखिर उनको क्या लग रहा है, वो किस पार्टी की ओर अपना रुझान रख रहे हैं, सवालों के जरिए जानने की कोशिश करिए कि उनका जो मूड है चलिए, वो क्या है और सियासी ताप आखिर क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में। जी क्या नाम है आपका, पता है क्या आपकी बात क्या भाव है, मतलब विधानसभा की बात करें तो हाल क्या है जी, बहुत जोरदारी से लोग लगे हुए हैं, चोर लगाओ जोरों से और प्रदेश बताओ बचाओ चोरों से। ये क्यों? ये इसलिए है कि भाई साहब रोजगार की चोरी हो गई जी, एक बिजली की चोरी हो गई हमारे यहाँ, उद्योग धंधों की चोरी हो गई हमारे यहाँ, एक तरीके से समझ लो महंगाई इतनी हो गई है, लोगों की रोजी रोटी की चोरी हो गई जी, इसलिए जिन लोगों ने ये चोरी करी है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, संयुक्त रूप से इन लोगों को भगाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, भाजपा नहीं कौन लगा रही है, तो फिर कौन की बात क्या लग रहा है आपकी बात, आपकी बात ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा नहीं कांग्रेस नहीं तो फिर कौन होगा, और ये धर्म की बात करने वाले लोग, ये जातिवाद की बात करने वाले लोग, ये भाजपा नहीं तो कौन,
कोई भी आ सकता है। मथुरा विधानसभा से एस के शर्मा जी है, तुम्हारे जनता अग्रवाल जी सपा है, कांग्रेस है, तो किसको चाहेंगे नेता? देखो जी, मेरे तो सब रिश्तेदार हैं, मैं कैसे कहूँ कौन हार जाएगा। हमने मैंने यहाँ पर अभी हम लोगों ने अभी 422 दिन धरना चलाया, सरकार की नीतियों के खिलाफ चलाया, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ। इसमें टिकेट साहब आप आए थे यहाँ पर, उन्होंने धरने को विसर्जित कराया था। हम लोगों ने तो मिल करके, हमारे साथियों ने मिल करके कड़ी मेहनत कर करके सब पूरे प्रदेश को बता दिया कि शत्रु कौन है। अब दोस्त लोग ढूंढ रहे, क्या दोस्त भी नहीं ढूंढा जा सकता? और लोगों ने ये सुनिश्चित, ठीक है पिंटू जी, आप मेरी इनसे बात करा सकते हैं? पिंटू जी, आप मेरी इनसे बात करा सकते हैं अगर इनके कान में आप ये ईयरफोन लगा सके तो? पार्टी का नहीं होगा। नमस्कार साहब, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्ते। स्टूडियो से एक बात कर रहा हूँ, नाम है कावेंद्र। साहब इतना नाराज क्यों है आप, क्या हुआ है? नहीं हम सर, ये नाराजगी इसलिए है कि हमारे यहाँ रोजगार खत्म हो गए। ऊर्जा मंत्री ने एक साल में 56,000 FIR लिखाई। क्या मथुरा में बिजली चोर रहते हैं? हमारे खेतों में सांड घुस जाते हैं गौशाला के नाम पर। एक जाति के लोगों को, एक वर्ग के लोगों को, एक बिरादरी के लोगों को ग्राम सभा की जमीनें आवंटन कर दी गई और अवैध रूप से उनकी समितियां बना करके ट्रेन वे में रजिस्ट्रेशन करा करके NGO चलवाए जा रहे हैं और आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इन पर ढकेल वाले ढकेल नहीं लगा सकते। आम आदमी को कौन सी सरकार में मिला ये बताइए? आम आदमी को सरकार में जी, देखिए मैं आपको बताऊं, देखो होता क्या है, अब सरकार जिन लोगों की आम आदमी की वो अभी तो आई नहीं, ना तो सेंटर में आई ना कभी। आपने ये सुना है आपकी बार आने कभी का भी, चांस है? कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी, कोई भी पार्टी रही हो, कोई भी पार्टी रही हो इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर आज तक, कभी आपने सुना है कि आम आदमी को खास आदमी कहकर बुलाया गया हो? आम का मतलब क्या है? आम तो चूसा ही जाता है ना, या काट लिया जाता है? एक नहीं नहीं अब की बार आम के सीजन में आम चूसा नहीं जाएगा, आम विशेष बन करके निकलेगा। मैं आपको कुछ मेरी 2 मिनट के लिए बात सुन लीजिए। हाँ। कि देखो हम कांग्रेस का भोगना भोग रहे हैं। हाँ। मैं दीर्घकालिक समस्याओं के साथ साथ ज्वलंत समस्याओं की भी बात कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ पर मैं यहाँ किसान अगर बिजली घर है, ऑनलाइन सेवा केंद्र खोला था तो मैंने ऊर्जा मंत्री जी से पूछा ये कितने दिन चलेगा, तो 10 महीने ऊर्जा यहाँ पर सेवा केंद्र खोला तो यहाँ पर उन्होंने थाना खोल दिया। अब भैया बताइए मथुरा में क्या बिजली चोर है? अगर आपकी बिजली आ रही है, भाजपा पार्टी के लोग कितने झूठे से, भाजपा के एक मिनट भाजपा के लोग कितने झूठे हैं? आज संकल्प पत्र में कह रहे हैं योगी जी कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचा दी है। ठीक है साहब, अगर वर्तमान विधायक नहीं है तो फिर जनता किसकी ओर आस लगाकर देख रही है? कांग्रेस और भाजपा के लोग बिल्कुल नहीं जमेंगे यहाँ पर। ठीक है, बसपा? हाँ बसपा आ सकती है। बसपा वाले जो SK शर्मा साहब हैं वो तो बताया जा रहा है कल तक BJP में ही थे। नहीं क्या हो गया, दल बदल हुए, नेतान को तो नेतान को काम है, तो क्या मैं क्या परेशानी है? मतलब आप पूरी पार्टी को एक तरीके से उसमें देख रहे हैं, आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक आदमी से नहीं, मतलब पार्टी से आप कह रहे हैं ना कांग्रेस चाहिए ना BJP चाहिए, समाजवादी पार्टी। आपका नाम क्या, नाम बता दीजिएगा क्लियर सर। मेरा नाम लोकेश कुमार राय है। ठीक है राय साहब, ये बताइए क्या समाजवादी पार्टी, देवेंद्र साहब कितने अच्छे लग रहे हैं आपको? जी नहीं, देवेंद्र साहब बहुत अच्छे आदमी है, अभी सादाबाद से आए, हमारे मामा भी है वो। अरे वाह, मामा है आपके? हाँ बिल्कुल, मामा विधायक बनेगा तो सबसे बढ़िया रहेगा, टेंडर मिलेगा और वो अग्रवाल है। ठीक है, अगर मामा विधायक बनेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, टेंडर मिलेगा, पार्किंग का ठेका मिलेगा, बिजली का बिल भी माफ हो जाएगा, कोई पकड़ तो पकड़ पाएगा नहीं। सुनो राय साहब, आदि वाला हमारा मौसा है, सुनो। अच्छा वो मौसा है, अरे ये बड़ा दिलचस्प चीज है उत्तर प्रदेश में। हम जब भी उत्तर प्रदेश चुनावों की बात करते हैं और तो दो चीजें बड़ी सिमेट्रिक हैं। एक सुनिएगा, सुन लिए थोड़ा सा, कि हम जिनसे भी बात करते हैं, कोई किसी का चाचा विधायक है, किसी का मौसा विधायक है, किसी का मामा विधायक है, किसी का भतीजा विधायक है, और चुनाव में अगर वो हार गया तो उसके बाद ना वो मामा रहे, ना वो मौसा रहे, ना वो मौसी का लड़का रहे। ये आपको गलत जानी है उत्तर प्रदेश के बारे में, आपको गलत जानकारी है, आप बताइए। ये गलत जानकारी, ये जानकारी सच नहीं है। हाँ। यहाँ पर जो अच्छा होगा वो आदमी चुनाव जीतेगा। हाँ। रिश्ते नाते एक तरफ है और हमारी अच्छाई देखिए कि लोकतंत्र में हम रिश्तों को ताक पर रख करके अच्छे आदमी को चुनते हैं। रिश्ते पर ताक पर रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देवेंद्र जी आपके मामा हैं और आप उनको कह रहे हैं सबसे बढ़िया आदमी है, तो आपने कौन सा ताक पर रखा? जी बढ़िया आदमी, मामा ने हमारे पिताजी का काम चलाया, कैसी बात कर रहे हैं? हमारा काम चलाया, आगे ना व्यक्तिगत आगे ना, मैं वही कह रहा हूँ, आप व्यक्तिगत आगे, मैं वही बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत ज्यादा सोचता है। आपने कहा हमारे पिताजी का काम चलाया, कल को आपको अगर एक ठेका दिलवा दिया तो फिर आप जयगान जयगान करेंगे। अरे आपको कोई क्षेत्र के विकास से मतलब है कि नहीं है?
या पिता के काम चलाया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरे बिल्कुल महत्वपूर्ण है, पिताजी मथुरा में रहते थे, मथुरा की जनसंख्या हमारी है, हम लोगों के है, हमारे हमारे लोग है, हमारी समस्याएं हमारी है सर, ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप? नेताजी हैं, किस पार्टी से हैं आप? नहीं नेताजी नहीं है सर, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना सपा का, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, एकदम कोरा आदमी हूँ। ठीक है, बस मामा आपके राजनीति में? सारे के सारे लोग राजनीति में। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा नाराज थे, गुस्से में थे। चलिए पिंटू जी, तो आज हम मथुरा की बात कर रहे थे, मथुरा विधानसभा की बात कर रहे थे, जानने समझने की कोशिश कर रहे थे या कि आखिर मथुरा विधानसभा की तस्वीर क्या है और मथुरा विधानसभा का सूरत हाल क्या है, क्या एक बार फिर 2022 में मथुरा में भाजपा का ही झंडा लहराएगा या फिर अब झंडा बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा। शुक्रिया।